नमस्कार, मैं शाहरुख खान, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 12 में तुलसी नगर। आइए लेते हैं जनता का माहौल। क्या माहौल है, क्या माहौल है आपकी बार? आपकी बार सही माहौल है, सही माहौल। 5 सालों में यहाँ के जो पूर्व सभासद रह चुके हैं, उन्होंने विकास क्या क्या है? कॉलोनी बनवाई। मुद्दा क्या यही है, आदमी की गलियाँ साफ हों, पानी की व्यवस्था हो, पेंशन है, वृद्धावस्था है, जो लोगों की जानकारी नहीं है, सरकारी योजनाएं उन तक पहुँचे। यहाँ कोई भी एक ईंट नहीं लगी। सभासद अन्य लोग हुए, जैसे राज्यपाल हैं और लोग भी हैं, पार्टी के भी थे, निर्दलीय भी थे, लेकिन उन्होंने कोई ना तो शकल दिखाई आज तक किसी पब्लिक, ना पब्लिक के दुख दर्द में खड़े हुए हैं। अभी तक कोई विकास नहीं हुआ तो यहाँ के पूरा सभासद रह चुके हैं, उन्होंने अभी तक कोई विकास किया है? नहीं, कोई विकास। सड़क, पानी, बिजली? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने अपना अच्छे तो देखा है, हमारे इधर नहीं आया। तो अभी आपने कौन सा प्रत्याशी चुना है? हमने राजेश यादव को चुना। आप तो कैसे भरोसा करेंगे उनके ऊपर? आप पिछले साल वो रह चुके हैं, उससे एक साल पहले वो रह चुके हैं। क्या कार्य किए हैं उन्होंने? गली बनवाई, लाइटें लगवाई, लोगों की कॉलोनी दी जी, और काफ़ी काम कराया। तो बदलाव चाह रहे हैं आपकी बात? जी जी। आइए और भी जनता खड़ी, उनके भी राय लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे अखिलेश यादव। कौन सा वार्ड लगता है आपका? वार्ड नंबर 12 लगता है। ये बताइए 5 सालों में यहाँ क्या विकास हुआ है? अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ। ये बताइए 5 सालों में अभी तक यहाँ पे क्या विकास हुआ है, और जो 5 साल पहले जो यहाँ के पूर्व सभासद रह चुके हैं राजेश यादव, उन्होंने क्या कार्य कराए हैं? पहले कई मैंने कार्य देखे हैं, कई लोगों ने देखे हैं, हालांकि 5 वर्ष हो चुके हैं, उससे पहले कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ है। पहले मेरी कृष्णा देवी पूर्व सभासद राजेश यादव की रह चुकी हैं, माता जी रह चुकी हैं, उन्हें अच्छा काम किया, लाइटें भी लगवाई, गली भी देखी, सड़कें भी देखी, नालियां भी साफ करवाई, हालांकि और क्षेत्र भी देखा, अच्छा काम किया, इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जो विकास विकास देखिए, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप इधर कैमरा घुमाइए, यही दिख जाएगा विकास किया हुआ है। ये नाली कम से कम हमारे हिसाब से 3-4 साल से टूटी पड़ी हुई है, शायद अभी तक निर्माण नहीं हुआ है ना भैया, आप लोग बताइए, है ना? 3-4 साल से टूटी पड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हैं, जो कि आगे चल के छोटे शुरुआत होती है, बड़ी समस्या बन जाती है। बड़ी समस्या जो चल रही है वार्ड में, पानी की, कॉलोनी की, पेंशन की, राशन कार्डों की, इनकी बहुत बड़ी समस्या चल रही है काफी सालों से, जो अभी तक यहाँ पे किसी ने दूर नहीं कर पाई है, उसके बारे में क्या आपका राय है? देखिए, अभी तक मैं ना ही प्रत्याशी था, ना ही मैं इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है? अब मैं इससे जुड़ा हूँ, मेरे समक्ष जो भी समस्याएं आएंगी, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा उन समस्याओं का निदान करने का, हर तरह से,